हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट बेस्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 16 जून 2020 और 16 जून 2020 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें और लास्ट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली आप यहाँ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज थोड़ा करंट अफेयर्स लेट हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप कल का करंट अफेयर जरूर देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंभु एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। शंभु एस कुमारन वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत है। वे जयदीप मजुमदार का स्थान लेंगे, ठीक है? यानी शंभु एस कुमारन फिलीपींस में जयदीप मजुमदार का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, यहां फिलीपींस की बात है, ठीक है? फिलीपींस की बात है तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, फिलीपींस की मुद्रा है पेसो, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। फ्रेंड्स, यहां कुछ 5 इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है? पहला में है रवीश कुमार, यानी फिनलैंड में भारत के राजदूत बने हैं रवीश कुमार। दूसरा में है कुवैत, यानी कुवैत में भारत के राजदूत बने हैं सीबी जॉर्ज। तीसरा में है राहुल श्रीवास्तव, यानी रोमानिया में भारत के राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, चौथा में है पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर कौन बने हैं? सुशील कुमार सिंघल। पांचवा में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? गायत्री कुमार। यहां से इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर एक बार शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब राज्य में COVID-19 की समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस ऐप का उद्देश्य है घर घर निगरानी कर कोरोना वायरस मरीजों को शुरू में ही पता लगाया जाएगा, ठीक है? इस ऐप को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यहां पंजाब की बात है, ठीक है? पंजाब की बात है तो पंजाब का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और 117 विधानसभा सीट है। पंजाब उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। पंजाब की 3 पड़ोसी राज्य है जिनमें राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल है, ठीक है? पंजाब का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर जाएं। टेलीग्राम का नाम है @MyNextJobPlus। टेलीग्राम में 2019 से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स का PDF है और एक बार वीडियो शेयर जरूर करें। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंकज त्रिपाठी। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी बिहार की मूल निवासी है। पंकज त्रिपाठी पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। फ्रेंड्स, यहां बिहार की बात है, बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार में 38 जिले हैं। बिहार का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं फागुन चौहान। बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट है, 75 विधान परिषद है और 243 विधानसभा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 500 साल।
ओडिशा स्थित महानदी में डूबा एक 500 साल पुराना मंदिर मिला है। देखिए इंटेक के अनुसार बताया गया है कि यह मंदिर 7 फीट ऊंचा है और 500 साल पुराना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां ओडिशा की बात है, ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीब। ओडिशा में 20 लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट है और 147 विधानसभा सीट है। ओडिशा की 5 पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पथ लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया है। अगर मैथ का परसेंटेज नहीं देखे हैं तो 0 लेवल से बताया गया है पार्ट वन। ठीक है, मैथ का पार्ट वन परसेंटेज जरूर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बसंत राय जी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 वर्ष। भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बसंत राय जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी के खेल में उन्होंने 277 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन रखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन रखा है। ठीक है, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग प्रकृति की 5 तत्वों पर कार्य करती है जिनमें पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, 19 राज्यसभा सीट है और 288 विधानसभा सीट है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है जिसके मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। आपको बता दे हाल ही में महाराष्ट्र के अल्फासो आम को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग वाला हम आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम में दे चुके हैं, वहां जाकर आप पढ़ ले। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दे हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव भी महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। आपको बता दे महाराष्ट्र यानी बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। एंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, मर्सर की 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे यानी रहन सहन के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया गया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर जाए। टेलीग्राम में 2019 से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। धन्यवाद।